देखिए एक ब्लॉग अभी बना रहे हैं, यहाँ पे है एक हैंडसम बॉय जिसका नाम है महताब, और महताब का मतलब होता है चांद, और चांद जैसा चेहरा भी है, स्मार्ट दिख भी रहा है, बहुत हैंडसम है, लेकिन इसके एक चेहरे पर एक दाग है। इस दाग का हम कारण पूछना चाहते हैं कि क्या कारण था कि वो दाग लग गया इतने सुंदर चांद में। तो बताओ कैसे लग गया? क्या बताना है, बता रहे हैं। हुआ क्या था कि हम लोग छोटे थे और मेरा घर था, घर है मेरा पांच रूम है, एक तरफ पांच रूम है और एक तरफ तीन रूम है, जिसमें से तीन रूम तैयार था और दो रूम बना नहीं था, तो बीच में पैसेज है। तो हम लोग छोटे थे उस टाइम में, सब कोई भाई बहन और दोस्त सब अगल बगल का, वो लोग हम लोग कूदते थे, ये भी रहता था साथ में। तो क्या हुआ था कि बालू रखा हुआ था एक घर में, और हम लोग छाजा जो होता है छत के नीचे जो एक होता है छाजा, उस छाजा से हम लोग नीचे कूदते थे, हाँ लिंटर के नीचे पर से हम लोग नीचे वो कूदते थे बालू में खेलने के लिए। बट ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि कोई नहीं था, हम अकेले ही थे, सोचे कि ज़रा हम कूद के देखते हैं, बट सोचे कि हर दिन तो छाजा से नीचे आ ही जाते हैं, लेकिन आज छत से कूद के देखते हैं। जब छोटा था दिमाग था नहीं, और छत से जब पूरा छत ढलाई नहीं हुआ रहता ना, तो उसमें थोड़ा सा छड़ छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें ज्वाइन मार के फिर आगे छत को बढ़ाया जाए, तो उसमें छड़ को छोड़ा हुआ था, और मेरा उतना समझदारी भी नहीं थी उतनी। क्या हुआ कि जब हम छत से नीचे कूदे तो वो छड़ में फंस गए और ये कट गया, और वहीं पर अचार रखा हुआ था, तो गांव का लोग, गांव के लोगों को लगा कि ये अचार चुराने जा रहा था, और अचार चोरी के ये में इल्ज़ाम आ गया मेरे ऊपर कि अचार के चुराने में इसका ये हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो हम उस दिन सोचे थे हर दिन तो छाजा से नीचे आ ही जाते हैं, कूद ही जाते हैं बालू में, आज छत से कूद के देखते हैं, बट समझदारी नहीं होने की वजह से ये भुगतना पड़ा हमको, और ये मेरे चेहरे में एक दाग हो गया, जैसे चांद में एक दाग है वैसे ये ज़मीन पर रहने वाले महताब का भी चेहरा में एक दाग है। सो यही है, लेकिन ये हम भी मानते हैं कि अचार चुराने के लिए गया था। चल इस कारण, मतलब ये जो कारण बताया हम इसको उतना नहीं मानते हैं, मानते हैं कि अचार चुराने गया था। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इसकी बातों में मत आइए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, जो हम बताए वही सच है। तो हाँ, लेकिन अचार रखा हुआ था, अचार के लिए नहीं गए थे, कूदने ही गए थे, छत से कूदे थे छाया से, हर रोज तो कूदते ही थे, छत से कूदने की कोशिश किए थे, जो ये होगा। तो एक और रिक्वेस्ट कर दो इस ब्लॉग को, ठीक है? आप लोगों से गुजारिश है कि इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।